दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार और अभी दादरी ज़िले के एक गांव के अंदर हैं और एक अच्छी मुहिम, क्योंकि पूरे देश के अंदर देश को प्रगति की राह के ऊपर एजुकेशन लेके जाती है। जब शिक्षा इस देश की अच्छी होगी तो न जाने इस देश के अंदर कितने कितने लोग पैदा होंगे और इस देश को प्रगति की राह के ऊपर लेके जाएंगे। और अभी एक सरकारी संस्था के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ एक संस्कार पाठशाला जो है वो चलाई जा रही है पिछले एक साल से और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब शिक्षा के साथ में बच्चों को जोड़ा जाएगा तो मैं अब बता देना चाहता हूं कि गांव भी शिक्षित नहीं होगा बल्कि आसपास के लोगों के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी और उन गरीब परिवारों के अंदर भी एक खुशी आएगी कि वो बच्चे, वो लोग जो हैं वो बिना पैसे अपने बच्चों को प्राइवेट संस्था के अंदर नहीं पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन की सुविधा नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इस गाँव के लोगों ने एक बड़ी अच्छी ही मुहिम स्टार्ट कर रखी है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। शाम के समय में इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में जो चीज़ें इनको मूलभूत सुविधाएं होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, वो चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। और उसी के साथ साथ आज इस गांव की संस्था ने उन लोगों को भी सम्मानित करने का फैसला किया है जिन लोगों को बागडोर संभाली है, क्योंकि पंचायती चुनाव जो होते हैं 5 साल के लिए जनता जनार्दन होती है कि 5 साल तक एक व्यक्ति को चुना जाता है और आने वाले समय के अंदर अगर उस व्यक्ति के अच्छे कार्य होते हैं तो दोबारा से उस व्यक्ति को मोहर लगाई जाती है बिना ही किसी भेदभाव के। और यहाँ पर जो जिला पार्षद जीते हैं चुनाव में, सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी हुए हैं 8000 वोटों से, जो सुभाष लाड़ावास जी हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और गांव के पंच हैं, सरपंच हैं, जो भी हैं यहाँ पे पहुँचे उनको भी सम्मानित किया गया। और इस संस्था के बारे में उनसे बातचीत करेंगे तो कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आएँ और लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम सुभाष जी से बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, ऐसी संस्थाएँ हैं, शिक्षा से लोगों को जुड़ा होना चाहिए और आप भी एक ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से मैंने आपको पहली बार देखा है, तो सबसे पहले राम राम। राम राम पत्रकार महोदय, आपने भी राम राम। ये गांव जो खोड़ा गांव है, मतलब इन इतनी बढ़िया सोच है, क्या कहता हूँ कि जो गुरु जी हैं अपने, जो मतलब आर्थिक संकट है जिनके माँ बाप है, उन्होंने ये बालकान जो पूरा गांव राम प्रधान ला रहे, जो युवा साथी पैसे इकट्ठे करके एक संगठन तैयार कराया है। और मैं चाहूँगा कि खोड़ा गांव मतलब और भी दूर तक ही बढ़िया संदेश जागा और दूसरे गांव भी, मतलब इसका हिसाब से, इस तर्ज के हिसाब से बालकान शिक्षित करें, क्योंकि जो ट्यूशन पर नहीं खिला सकें जो माँ बाप है, वही खोड़ा गांव राम है जो सारा मैं, लेकिन आप युवा जो शक्ति है खोड़ा गांव की, उनकी बहुत बढ़िया सोच लगी और भगवान करे खोड़ा गांव की इसी सोच रहे ताकि युवा ये बड़ा होगी अफसर बने और गुआंड को नाम करें, मतलब पूरा समाज को एक अलग तक बेरा पट्टा भाई। हाँ, खोड़ा गांव राम ने किया गया था। हाँ, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी सोच है। हाँ, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी मतलब नहीं हो सका है। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो गरीब आदमी ने किसी चीज़ की जरूरत को नहीं, अगर उनके बालक पढ़ जाएंगे तो आने वाले टाइम में वो सब कुछ कर सके हैं। इस गांव ने ही नहीं बल्कि आसपास के गांव भी अगर इसे शुरुआत करें तो वो गरीब आदमी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कौन सोचा, ट्यूशन की कड़ा सोचा, सही बात, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे कम से कम ट्यूशन की सुविधा हो जाएगी तो बालक तो पढ़ जाएंगे। नहीं, पत्रकार महोदय बहुत बढ़िया बात है। मैं तो नहीं मान रहा हूँ कि एक यो अभियान चला लिया भाई, हर गांव में जाके चाहे आप ना हाथ जोड़ना पड़ो, हाथ जोड़ दिया केसर में आज बालक बालक शिक्षा मिल जाए तो यो हम लाग लुक की जो युवा साथी हैं पे भी मैं बात करूँगा जो खोड़ा गांव के हैं, फिर दूसरे गांव में हम भी जाके संपर्क करा जो युवा साथी हैं। आपको भी 13 वार्ड ने चुना है तो आपका क्या सहयोग रहेगा गांव के लिए, अन्य लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर? मैं भी इन बरगासा हूँ, थोड़ा मैं है ना एक काम लाई जा हूँ, जो जो आर्थिक रूप से मैं मजबूत होता गया मैं इन बालकान भी मजबूत करता जाऊंगा गांव राम से। मैं पहले भी बता के गया था, जो एक पत्रकार महोदय था पहले भी आया था अपने लंबा साहब है, मैंने बताई थी उन दाई कि मेरा एक खोड़ा गांव से जमा लास्ट में पढ़ाया लगा मैं, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया संदेश, एक बहुत बढ़िया काम था शिक्षा। ये जो भाषण में ये जो नेता बड़ा बड़ा न्यू शिक्षा देंगा न्यू करांगा वह कुछ कौन दी खोड़ा गांव दिन ला रहा था न्यू बनाएगी बात, ये कोई न्यू कर दे सट्टे जहाँ भाई शिक्षा भी देंगे बिजली देंगे और क्यों करांगा, लेकिन मेन बात है ना उन नेता छोड़ो जो खोड़ा गांव है ना इससे कुछ सीखो, जो और भी मेरे गांव हैं मेरे जो और युवा साथी हैं उन्हें भी सीखना चाहिए भाई। देखो एक छोटे 5 बालक स्टार्टिंग करी थी, 60-70 बालक हो रहे हैं और भी जो बालक बढ़ दे जाने लग रहे हैं, माँ बाप गुरु जी तो मिले हैं भाई, मारा बालक भी भेजा और गुरु जी इतना बड़ा कालजा ले रहे हैं, इतनी बड़ी बुद्धि जी हैं कि आउन दो भाई हम पढ़ावा यो काम मारो से, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया संदेश है। ऐसी सोच अगर इस हर गांव की व्यक्ति को हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। गुरुजी आपसे बातचीत करना चाहूँगा,
सेवाएं दी हैं, आपने भी देश के लिए सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके बाद में स्पेशली इस गांव के रहने वाले हैं, लेकिन आपका रेजिडेंस भिवाणी है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने स्वार्थ की भावना के लिए पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से आप भिवाणी से स्पेशली यहाँ चलने के लिए आते हैं। ऐसे बच्चों को एक एजुकेशन संस्था से जोड़ रहे हैं और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने शुरुआत की थी उन बच्चों के बारे में? आपको सबसे पहले तो आपको नमस्कार। ये जब मैं फौज में था, पहले मैं जाता हूँ, तो गांव में जब मैं छुट्टी आता था 2 महीने की, तब भी मैं स्कूल में आके पढ़ा के जाता था। अच्छा जी। हाँ, तो एक बार की वाक्य है कि मैं छुट्टी आया 2 महीने की, आजकल के दिन में आया था अक्टूबर में, और यहाँ सज्जन जी थे हेडमास्टर प्राइमरी के, और ये पहली क्लास छठी लगी थी, प्रमोट हो गया था स्कूल, 8वीं मिडिल बन गया था। तो वो बोला भैया गाँव में स्टाफ नहीं है और आप 2 महीने की छुट्टी आए हो, गंभीर कुछ करवा दो, नहीं तो गांव के बच्चों की जो है ना, खास करके अंग्रेजी जो है वो वीक हो जाएगी और बाकी तो हम संभाल लेंगे। वो जी ठीक है। तो मैंने 2 महीने उन बच्चों को अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ाई, हालांकि उनको मैं डाटा फटकारा भी, ऐसी बात नहीं कि मैं, 2 महीने का टाइम था मेरे पास में, सीमित टाइम था, तो सीमित टाइम के अंदर उन बच्चों को 2 बार मैंने पूरी किताबें रेफर करवा दी, इवन मैं उनको ABCD से शुरू करवा करके और ऐसे राइटिंग वगैरह, स्टोरी वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह लिखना भी उनको सिखा दिया था 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर उन बच्चों को, और वो सुनो, उस क्लास के अंदर से आज हमारे गाँव के 4 से 5 बच्चे सरकारी नौकरी में हैं और मेरे को बड़ा मान सम्मान देते हो। उस दिन से मेरे मन में ये फीलिंग आना शुरू हुआ कि गाँव के अंदर देखो अगर हम कोशिश करें तो शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। दूसरा, मैं पूरा फौज में रहा हूँ, उसके बाद मैं 13 साल लेक्चरर हुआ जो पॉलिटिकल साइंस, तो मैं जगह जगह गया हूँ, तो हमारा गांव शिक्षा के मामले बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे गांव में कर्मचारी नहीं, हम 3 रिटायर्ड टीचर हैं, जबकि हरे गाँव में 50-50, 60-60 टीचर्स हैं, और फौजी तो हमारे गाँव में है, अभी वो धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन बाकी महकमे हमारे गाँव के स्टाफ इतना नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था शुरू से कि एक जहाँ जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है उसका कर्ज मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ संसाधन से पला बड़ा हुआ, शिक्षा ग्रहण की मैंने, उसके बाद फौज में चला गया, उसके बाद मैं लेक्चरर लग गया, भाई चलो मैंने रेजिडेंस अपना भिवाणी बना लिया और बच्चे भी अपने अपनी जगह सेट हो गए, तो वो जो मेरा आर्थिक जो मैंने मजबूती हासिल की थी वो तो होता गाँव में ना भी ला पाऊँ, भविष्य की बात है वो, तो कम से कम भी मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने आकर के सेवा तो दे ही सकता हूँ। बिल्कुल। चलो वो डिसीजन तो पूरे परिवार का होगा कि हम पूरा शिफ्ट कर करके वहाँ बीच बास करके गांव में आ जाएं। हालांकि मेरी ये पता है मेरे को कि अगर हमारे जो गांव के शिक्षित सक्षम लोग अगर गांव से पलायन करके बाहर चले जाएंगे तो वो गांव का लॉस है, वो गांव का नुकसान है, उसकी भरपाई नहीं होती। लेकिन मैं ये महसूस करते हुए अभी इतना वो नहीं हूँ कि अकेला डिसीजन लेकर के मैं गांव में आ जाऊँ, पूरे परिवार को लेकर के, बच्चों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। बिल्कुल फौजी साहब, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं इस चीज़ के लिए कि हम गांव के अंदर पढ़ें लिखें और कुछ करें और हम विदेशों में अंदर जाएं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर जा करके वापस ये सोचते हैं कि मैं गाँव को शिक्षित करने के लिए मैं वापस मेरे गाँव के अंदर आऊँ, ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। देखिए मेरा जो मन है वो मन की जो प्रवृत्ति है इस टाइप की है कि मैं धरती को छोड़ूं तो मेरे पर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, तो इस गांव का तो कर्ज अभी खड़ा है, मैंने देश की सेवा कर दी, हरियाणा राज्य की सेवा कर दी, अभी गांव की सेवा कब की? गांव की सेवा कब की? अब वो तो लोग कहेंगे भी अपने स्वार्थ के लिए, अभी मेरा मौका है ना, स्वार्थ की कोई बात नहीं है ना, मैंने कोई पॉलिटिकल मेरा वो है एजेंडा है ना, कोई किसी किस्म का कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से इस गाँव में मैं अपना कर्ज मानता हूँ भूमि का, इसलिए मैं इस गाँव में आया हूँ, ना कभी भविष्य में कोई चुनाव लड़ूंगा, ना भविष्य में कोई सरपंच बनने की मेरा इरादा, ना और कुछ। गांव में शिक्षा देनी है, और हालांकि फ्री एजुकेशन को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन जब तक मेरी पार पड़ेगी तब आपको फ्री एजुकेशन दूंगा इनको, जब तक मेरा बस चलेगा। बिल्कुल नहीं लगे कि इस फ्री सेवा का कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि छोटा मोटा कोई बाद में अभी फिलहाल तो नहीं, 5-10 साल के बाद में लगेगी, अभी ये जो एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है और उसके लिए अच्छे संसाधन चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल बोर्ड वगैरह है, सब कुछ अलग अलग होता है, तो वो संसाधन अगर मान लो मैं 30-40 लाख रुपए लगा करके तो थोड़ा बहुत फिर तो कुछ कंट्रीब्यूशन भी होता है, लेकिन आज फिलहाल वो कोई सोच नहीं है। आज तो इन ये जो पौध मैंने लगा रखी है अभी, ये मेरे साथ में धर्मवीर है, संदीप है और बाकी सहयोग दे रहे हैं, अभी शाम को ये संभालते हैं, 3-4 दिन में आता हूँ। तो इसी पौध का पहला रिजल्ट अभी जब नवोदय विद्यालय की जब तैयारी करवाएंगे शुरू होगी, लगभग तैयारी करवा दी हमने, फार्म भरवाने हैं, और ये बच्चों के जो रिजल्ट आएगा वो पहला नवोदय विद्यालय का रिजल्ट होगा, तो उसमें हमारी उपलब्धि का पता चलेगा कि हमने क्या उपलब्धि की। आज हम बड़ा झड़ा की बात करें तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, हम जो कोई काम करेंगे उसका जो परिणाम आएगा तो उसके बाद में मैं क्या बोलूँ, फिर तो गाँव बोलेंगे, आप बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, आसपास के जो लोग हैं वो बोलेंगे। दूसरा, एक इन बच्चों के लिए
जो गांव के ये नहीं और भी जो बच्चे हैं, मेरा एक सोचना है कि जो अपना स्कूली शिक्षा है, जो एकेडमी एजुकेशन है, वो तो आपको स्कूल में मिल जाएगी, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन दसवीं के बाद में अगर कोई भी ग्रुप डी एग्ज़ाम भी देते हैं तो हमारे बच्चे वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा, कभी ग्रामर का इतना ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उसके बाद में जनरल साइंस हमारा अच्छा नहीं है, जीके भी हमारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और मैथ में इतना एडवांस नहीं होते बच्चे। तो मेरा इरादा है कि इन बच्चों को, जो भी आगे बच्चे आते जाएंगे हमारे साथ निकलते जाएंगे, तो उनको रीजनिंग की मैंने बुक्स लाके दे रखी है, इनको ग्रामर की इनको बुक्स लाके दे रखी है, उसके बाद में जीके की इनको बुक्स लाके दे रखी है, नवोदय स्कूल की बुक्स लाके इनको दे रखी है, स्टेशनरी वगैरह तो अलग है, तो अगर जरूरत पड़े तो वो किताबों की व्यवस्था भी करेंगे। अगर पूरा सहयोग रहा, अपना सुभाष जी भी हैं, राजेश हैं, गाँव वाले सरपंच हैं, तो एक छोटी सी लाइब्रेरी की व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ, ताकि इन बच्चों को 20-25 सेट का जो भी है, जो नवोदय स्कूल के अगले साल उसका सैनिक स्कूल मिट्टी स्कूल की तैयारी करवा दें, तो 20-25 बुक्स वहाँ पे होंगी, तो उन बच्चों को साल के शुरुआत में उनको इशू कर दो, उनके नाम से दर्ज कर दो भी तेरी किताब है, और जब भी परीक्षा हो जाती है तो उसकी किताब वापस लेकर के अगले जो बच्चे हैं उनके लिए कर दो। तो इसी हिसाब से एक सिस्टम बन जाएगा। तो अगर 4-5 साल ये सिस्टम चलता रहा है तो मैं नहीं मानता हूँ कि दसवीं के बाद या प्लस टू के बाद में कोई बच्चा बाहर परीक्षा देगा, बाहर कोई परीक्षा देगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि मैंने इसलिए सिलेबस तो पढ़ा नहीं। और कोचिंग सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो चीज़ें भी पेरेंट्स की एक चेतना ही होती है एक प्रकार की, भी कोचिंग सेंटर में जाना है। देखो गांव के अभिभावक गांव के अभिभावक इतने जागरूक नहीं है, अब मैं थोड़ा सा कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ये तो हमारा दायित्व है उनको जागरूक करना, धीरे धीरे जागरूक हो जाएंगे, इनके समुचित शाम को एक व्यवस्था ही बन जाए हर घर में, या 4-5 घरों के बच्चे इकट्ठे होकर के एक जगह कोई शिक्षा मित्र आ जाए और वो उनको थोड़ी बहुत मोटिवेट कर दे, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा और जल्दी आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा, देखो कई लोग अभिभावक ये देख रहे होंगे कि मजबूर होते हैं घर परिवार चलाना, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे तो आने वाले समय के अंदर आप मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो इतने मजबूत बन जाएंगे कि आपकी दशा जो है वो जो पहले की खराब थी उस स्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन आज ही अगर आप आसपास के क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं जहाँ ये मुहिम चल रही है, फिलहाल तो मैं खोरडा गाँव की कहूँगा, और जो भी अभिभावक अभी भी इस चीज़ से दूर हैं तो वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें, और संस्कारिक शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है अकेडमिक शिक्षा सर ने बताया कहीं पर भी ली जा सकती है, लेकिन संस्कारिक शिक्षा जो है वो साथ साथ में बहुत ज़रूरी होती है, और अकेडमिक शिक्षा साथ साथ में जोड़ा जा रहा है, और जो आगे आने वाले भविष्य के लिए बच्चों की तैयारियां हैं, चाहे नवोदय विद्यालय की बात करूं या सैनिक स्कूल की बात करूं या अलग अलग किसी भी संस्थान के अंदर आप जाना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। तो एक बार हाँ जी सर, और इस अभियान में मेरे साथ में धर्मवीर है, हालांकि मैंने ये काम शुरू करने से पहले इससे बात की थी, मैंने एक दो सदस्य और भी थे गाँव के, हालांकि वो फिलहाल तो सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, और अभी एक लड़का संदीप भी आता है यहाँ पे, और इन्होंने प्राइमरी सेक्शन में दो लड़कियाँ भी लगा रखी हैं, तो धीरे धीरे क्या है हमारे एक टीम, उसमें 2-4 गांव के से मेरा अनुरोध है कि 2-4 एक दो बंदे और, या साइंस का या साइंस या मैथ का एक्सपर्ट्स वगैरह चाहिए, उसका हौसला अगर नहीं हुआ तो हम व्यवस्था करेंगे, उसको हायर करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में अगले साल से इस अभियान को हम और तेज़ करेंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जरूरी होती है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जी। किस प्रकार से शुरुआत की थी सर, और अभी फिलहाल कितने बच्चे हैं और कितना का स्टाफ रहता है आपके पास? देखिए, मैं आचार्य चाणक्य का बड़ा आजकल कहते हैं फैन रहा हूँ, कि उसने एक मिडिल लेवल में से एक बच्चे को उठाकर एक राजा बना दिया था, क्योंकि शिक्षक कोई सामान्य नहीं होता है, उसके हाथ में बड़ी पावर होती है। बिल्कुल। तो हमने भी यह चाहा कि मेरे गाँव में से हम भी उस सोच को क्यों न लेके आएँ, अपने गाँव की जो एक मिट्टी है उसमें से ऐसा सोना उभारे हम कि वो पूरे भारत में चमके। क्योंकि आपने पहले प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया था, बहुत संदेश देना चाहा आपने कि जो अकेडमिक शिक्षा है वो कहीं मिल सकती है, लेकिन जो संस्कारिक शिक्षा है, इसका नाम भी रखा है संस्कार पाठशाला। यहाँ छोटे से लेकर अब जैसे जितने पंचायत अधिकारी बुलाए थे, इतने भी, इनको भी इसलिए था कि इनको भी हमको इनको संस्कार दें। बिल्कुल। इसका नाम इसलिए रखा है संस्कार पाठशाला कि आज हमारे बच्चे हैं, पढ़ लिख चुके हैं, हमें बीएड पीएचडी हो जाते हैं, एक भेजने के लिए एक उसका परिवार है उसको दूसरे शहर में भेज देता है, लेकिन वह जाकर वहाँ अपने परिवार की देख रेख करना ही भूल जाता है। अनेक ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि एक बूढ़े माता पिता एक उसी बेड पर उसका देहांत हो जाता है, उसकी हड्डियाँ वहीं कचुम्बर बन जाता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हम वो शिक्षा दें जो अपने राष्ट्र के बारे में जाने। वेद में कहा है मनुर्भव, मनुष्य बनो
और मनुष्य जब तक जीता है उसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। और हमारा प्रयास है हम बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रणाली के अंदर लेके आएँ ताकि वो एक पूर्व में जो शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली, हम उसी के अनुरूप पढ़ाना चाहते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी भी कमाएं, अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है उनको भी जाने, गांव के प्रति क्या कर्तव्य है उनको भी जाने, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है उनको भी जाने, और इनका समुच्चय एक हम ऐसा लहर कहें वो चलाना चाहते हैं कि जो विदेश से यहाँ आकर आए मेरे गाँव खोड़ा में कि ऐसी कौन सी संस्कार पाठशाला है जो बच्चों को इतना ऐसा संस्कार दे रही है, विद्या दे रही है, शिक्षा दे रही है, इस पर चलकर अपने गांव का भी अपने राष्ट्र का भी नाम रोशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, चीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जिसके चर्चाएं चलें, जिनके लोग आपस में बातें करें तो भी उनके पता होना चाहिए कि इस गांव के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं और संस्कारिक शिक्षा के साथ में जोड़ रहे हैं। अभी फिलहाल कितने बच्चे हैं? हम फिलहाल हमारे पास अभी 85 बच्चे हैं, क्योंकि कुछ जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते थे वो उनका टाइमिंग ऐसा सेट नहीं हो पा रहा है, इस कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब भी 80+ बच्चे हैं हमारे पास सारे जी। स्टाफ मेंबर फिर हमारे पास 4 हैं और 3 दिन हमारे पास भिवानी से श्रीमान धर्मवीर जी आते हैं और 4 ऑलरेडी रहते हैं यहाँ पर। और टाइमिंग क्या रहता है? अभी टाइमिंग है जी 4 से लेकर 6 बजे तक, शाम को 4 बजे से 6 बजे। तो इन बच्चों को किताबें हैं वगैरह चीज़ें सारी उपलब्ध करा देती हैं? इसमें जितना भी जो इनके पढ़ाई से संबंधित मटेरियल है वो गाँव के युवाओं का मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। आज युवा जन्मदिन मनाता है तो कोई कैफे मनाता है, कोई कैम मनाता है, मेरे गांव के युवा हैं वो अपना जन्मदिन यहाँ सेंटर में आकर मनाते हैं। कोई पेंसिल देता है, कोई पेन देता है, कोई कॉपी देता है, तो ये भी एक अलग से मुहिम है और अलग संदेश जा रहा है, इसके लिए मैं युवाओं को धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो भी आपके दर्शक हैं, युवा साथी देख रहे हैं, वो भी अपना जन्मदिन ऐसे स्थान पर जाके मनाएं जहाँ पर आप उनको कुछ देश की बिल्कुल जी खुशियाँ जो होती हैं वो अपने परिवार तक ही सीमित ना रखें बल्कि ऐसे जगह पे जाके मनाएं ताकि आपकी वजह से जो है अन्य लोगों के अंदर खुशियाँ आएँ। और धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का जो इस चीज़ से परिचित हैं कि भई हम लोग जो हैं बर्थडे मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, 1,500, 2,000, 5,000 रुपये अपने लिए खर्च करेंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आके ऐसी संस्थाओं के ऊपर जाते हैं जिन बच्चों से जुड़े होते हैं और इन बच्चों की आत्मा के अंदर भी एक बात जाती है कि हमारे लिए किसी व्यक्ति ने समय निकाला है और वो व्यक्ति हमारे साथ पहुँचा है और जो चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं इन बच्चों को ज़रूरत होती हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि एक बार इन बच्चों से भी छोटी सी मुलाकात ज़रूर करेंगे, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये BDC मेंबर भी थे उनसे भी एक बातचीत कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जहां पे भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एजुकेशन से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़िएगा और संस्कारिक शिक्षा से जोड़िएगा, क्योंकि एकेडमिक शिक्षा कहने का मतलब है कि इस शिक्षा तक न जोड़िएगा कि अपने बच्चों को सिर्फ एक नौकरी के लिए तैयार करना है, एक बच्चे को अपने को अपने को बिजनेस के लिए तैयार करना है, ऐसी जो शिक्षा होती है वो किसी काम की नहीं होती है। बच्चे को इस तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि आने वाले समय के अंदर उसके अंदर ऐसे संस्कार हों, क्योंकि कई सारी वीडियो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक बहन के साथ में गलत हो जाता है, एक परिवार का किसी सदस्य माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, बहुत सारे जो हैं वो पत्नी के बहकावे में आकर अपने माँ बाप के साथ में बिटाई करते हैं। ये एजुकेशन का कोई हिस्सा नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े एजुकेटर बन जाएं, चाहे कितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग बन जाएं, जब तक आप अपने परिवार की, अपने आसपास की, अपने माता पिता की, अपने गुरुओं की सेवा नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो एक छोटी सी मुलाकात एक BDC साहब से भी करेंगे और आखिर में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो BDC साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसी संस्थाओं के बारे में और क्या कुछ सहयोग रहेगा आप लोगों का, क्योंकि कमान संभाली आप लोगों ने, तो इस एजुकेशन संस्थाओं कहाँ तक लेके जाएंगे? जी पहली बात तो मेरे गुरुजी हैं, मेरे ग्रामवासी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जी तहे दिल से। और ये जो एक ये संस्कार कोचिंग है ये बच्चों के लिए बहुत 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 अच्छी ये वो शिक्षा के लिए उच्च स्तर पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा काम किया मेरे गुरुजनों ने। बिल्कुल, एक हमारे गांव में थोड़ी लाइब्रेरी की समस्या, हाँ हर गांव में है, हाँ, वो चीज़ें होनी चाहिए। वो अभी कुछ मेरे युवा साथी थे और मैंने भी एक थोड़ा इसका वो किया है कि भाई लाइब्रेरी तैयार करे। तो ये बहुत अच्छी बात, हाँ, है, आपने भी शिक्षा के साथ जोड़ा है और लाइब्रेरी कोई छोटी बात नहीं है सर। लाइब्रेरी के साथ में बच्चे जुड़ेंगे जो आसपास के दूसरे गांव के अंदर जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जुड़ेंगे और बच्चे एक शांत वातावरण के अंदर पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये तस्वीरों में आपने देखा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करें, कुछ बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं कि कहाँ तक ये एजुकेशन दी जाती है। तो बेटा क्या नाम है?
रितिका। पढ़ने आते हो यहाँ पे? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। थर्ड क्लास में कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। आप ही पढ़ते जाते हो? यस सर। पढ़ने आते हो? कौन सी क्लास में? फिफ्थ। फिफ्थ क्लास में। तो यहाँ कितने टाइम से आ रहे हो? सर बहुत समय से। कितने समय से? एक महीने, दो महीने, छः महीने? सर यहाँ पे आपको मतलब जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो स्कूल से रिलेटेड पढ़ाई जाती हैं, और कैसा लगता है यहाँ पे जब आप पढ़ते हो? सर अच्छा। कौन से सब टीचर हैं वो मतलब कैसा पढ़ाते हैं? मतलब मैथ जो है स्कूल में पढ़ते हैं आप, इंग्लिश है यहाँ पढ़ते हैं, तो अलग कोई पैटर्न होता है भी पढ़ाने का यहाँ? सर अलग कोई पैटर्न होता है। कैसे? कैसे कि सर मुझे शुरुआत में मैं आई थी, मुझे गुणा भाग भी नहीं आते थे। अच्छा। मुझे यहाँ आकर बहुत फ़ायदा हुआ है। माँ आज कल मैंने 10वीं क्लास के मैथ के पेपर चेक किए थे और कहा मुझे गुणा भाग के सवाल नहीं आते थे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे धर्मवीर गुरु जी सर का और सभी सरों का। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 10th क्लास में पढ़ते हो, और 10th क्लास के जो बच्चों के टेस्ट होते हैं वो आपने चेक किए? यस सर। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आप? यस सर। तो शुरू में एक्चुअल में नहीं आते थे या फिर किसी ने पढ़ा के पहले पढ़ा दिया कि मीडिया में ऐसे बोल लेना है? नो सर। अच्छा, मैंने एक्चुअल में बोले हैं। एक्चुअल में बोले हैं? यस सर। तो ये चीज़ें आपने देखी, इस गुड़िया के अंदरूनी बातें जो हैं वो निकल के आई हैं। इन्होंने कहा कि मुझे जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आते थे, और आज क्लास की मॉनिटर बनी हुई है गुड़िया। और बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम रिद्धि है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। 5th क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में? द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो आप? यस सर। कितने समय से आ रहे हो? सर मैं 6-7 महीनों से यहाँ पर आ रही हूँ। तो कैसा वातावरण है यहाँ का, मतलब ट्यूशन? सर यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पढ़ाई आती है, धर्मवीर सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ अच्छा लगता है? मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, मैथ अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे किसी प्रकार? यस सर। कितने बच्चे आते हैं लगभग यहाँ पे? सर यहाँ पे बहुत 80+ बच्चे आते होंगे लगभग। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जहाँ पे भी ये वीडियो जा रही है मैं तो कहना चाहूँगा युवा साथियों से कि ऐसी मुहिम स्टार्ट कीजिएगा, और ऐसी मुहिम को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे भी बच्चों की आर्थिक मजबूती के लिए या इन लोगों के हाथ मजबूत करने के लिए अपना सहयोग करते रहें। आप देख रहे थे सजग संसार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।